हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लगाना सिखाऊंगी करेला। मैंने करेले के दो टाइप के बीज होते हैं, एक हाईब्रिड होते हैं और दूसरे जो हैं वो नॉर्मल करेले के सीड होते हैं। हाईब्रिड के सीड थोड़े महंगे होते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये हर जगह आराम से नहीं मिलते, इन्हें बहुत सर्च करना पड़ता है और फिर कहीं जाके ये किसी अच्छे गार्डनर के पास मिल जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको ये वाले बीज नहीं मिल रहे तो आप अपने घर में करेले लेकर आएँ, उसमें से जो बीज हैं उन्हें आप रखें अलग, और या फिर उसी टाइम किसी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मैं बीजों को लाकर रख लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई करती हूँ और उसके बाद मैं उसे मिट्टी में डाल देती हूँ। तो चलें लगाना शुरू। मैंने कुछ दिन पहले जो है करेले के सीड्स लिए थे, फाइबर सीड, ये मुझे किसी ने गिफ्ट करे थे। मैंने ये सीड्स लेके, ये मेरे पास खाली कंटेनर पड़े हुए थे, दही बड़े के, दही बड़ा वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसके कंटेनर खाली पड़े हुए होते हैं घर में। तो मैं मोस्टली सीडलिंग जो है वो सीडलिंग ट्रे में नहीं करती क्योंकि उसमें स्पेस बहुत कम होती है। तो मैं इस तरह के कंटेनर जो फालतू पड़े हुए होते हैं, हम लोग जो जंक फूड वगैरह खाते हैं तो वो पड़े होते हैं, तो मैं उनको लेके उसमें मिट्टी और 1% मिट्टी और 3% मिट्टी और बालू मिट्टी और 1% गोबर खाद लेके मैं इन बॉक्सेस में भर के उसमें सीड डाल देती हूँ। तो बहुत इजीली जर्मिनेट भी हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है इन्हें धूप और गर्मी इन सब चीज़ों से बचाने में बहुत आसानी हो जाती है। एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने में बहुत इजी रहता है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह के फालतू कंटेनर्स पड़े हुए हैं घर में, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं जो लोग, उनके घर में बहुत इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, मैं उन्हें रख लेती हूँ। तो मैंने सीड्स लिए थे और उन सीड्स को मैंने 21 तारीख को, जनवरी की 21 तारीख को मैंने, या आप देख सकते हैं जनवरी की 21 तारीख को मैंने सीड्स को डाल दिए थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी कराची में इस दफ़ा, तो मेरे सीड जर्मिनेट होने में टाइम लगा। तो ये भी कोई 4-5 दिन हुए हैं जो सीड जर्मिनेट हुए मेरे, और आज जो है फरवरी की 9 तारीख है। तो ये आप देख सकते हैं सीड बहुत अच्छे से जर्मिनेट भी हो गए हैं, कुछ जर्मिनेट हो रहे हैं, और जो जर्मिनेट हो गए हैं जो काफ़ी मुझे लग रहा है जिन्हें अलग कर लेना चाहिए, मैं उन्हें शिफ्ट कर दूंगी बड़े पॉट में। वो मेरे पास बड़ा पॉट रखा हुआ है, अगर आपके पास 12 इंच का पॉट है तो आप उसमें भी रख कर सकते हैं। करेले के 12 इंच के पॉट के अंदर आप तकरीबन 1 से 3 सीड्स डाल सकते हैं। तो मैं तो पहले अलग जर्मिनेट कर लेती हूँ क्योंकि जर्मिनेशन करने के बाद इतने बड़े प्लांट को ईजी हो जाता है मेरे लिए शिफ्ट करना। तो ये मैंने पहले भी करेले का प्लांट लगा चुका है, ये मैंने 9 अक्टूबर को लगाया था और इसमें से मैं काफ़ी दफ़ा करेले हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अभी आप देख सकते हैं मज़ीद इसमें करेले निकल रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे निकल रहे हैं, इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और इसमें से मैं बहुत दफ़ा ले चुकी हूँ। इनफैक्ट अभी आज भी मैंने करेले इसमें से लिए थे जो पहले इसमें बड़े हो चुके थे, ये आप देख सकते हैं कितने सारे माशाल्लाह करेले निकल रहे हैं इसमें ये। तो आप जो है एक इतना बड़ा गमला लेंगे तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 5 सीड डाले थे और ये माशाल्लाह अक्टूबर से लेके आज जो है फरवरी हो गई है, तो काफ़ी मैंने इसकी हार्वेस्टिंग भी कर ली है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ भी हुई है। मैंने इसे लकड़ियों के साथ ऊपर तक बेल चढ़ाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो मैसअप हो गई सारी। खैर अब मैंने जो नए सीड जर्मिनेट हो गए हैं ये वाले, इनके शिफ्टिंग के लिए मैंने, ये मेरा एक और गमला है, इसकी आप हाइट देख सकते हैं, मुझे इसकी सही से लेंथ तो नहीं मालूम। मैं अपने गार्डन की तमाम एक्स्ट्रा मिट्टी या पत्ते वगैरह जो होते हैं वो सब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये आप देख सकते हैं टमाटर की डंडी भी इसमें डली हुई है और मैं सब इसमें डाल देती हूँ, कुछ जो रूट्स वगैरह होती हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद मैं जब मुझे कोई मिट्टी की ज़रूरत होती है किसी सीडलिंग के लिए, सीड लगाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, मैं इसी में से उठा लेती हूँ क्योंकि ये एक जगह है, इसमें पत्ते पड़े पड़े कंपोस्ट हो जाते हैं और
सम टाइम तो मैं इसमें सब्जियों का कचरा भी डाल देती हूँ तो वो भी कंपोस्ट हो जाता है। तो मैं इसके अंदर मज़ीद आज ये मटर के छिलके, जो आज हमारे घर में मटर छिली है, मटर के छिलके जो हैं ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद मैं अपनी पनीरी को इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। तो उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। पनीरी को निकाल लिया है, इसकी रूट्स देखें नीचे तक चली गई थी। ये सही वक्त होता है जब आप ट्रांसपेरेंट बॉक्स में पनीरी लगाने का, कि आपको अच्छी तरह से मालूम होता है कि अब जो है पनीरी को शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रांसपेरेंट बॉक्स में या ट्रांसपेरेंट कंटेनर में पनीरियाँ लगाया करें, ताकि आपको शिफ्टिंग, जो नए गार्डनर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि कब करना है शिफ्ट बड़े गमले में। तो इस तरह से जब रूट्स नीचे नज़र आने लगें आपको, तो आप अपने पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट कर दें, क्योंकि उसको फैलने के लिए, बड़े होने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर आप देर कर देंगे तो ये नीचे से ट्विस्ट हो जाएंगी और फिर ऊपर से ये पीले होना शुरू हो जाएंगे पत्ते। तो चलें हवा नहीं लगाते इसको, जल्दी से मैं तमाम पनीरियों को शिफ्ट करके आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो पनीरी शिफ्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एयर टाइट, ये जो मेरे बॉक्स थे इसमें से ये आप देख सकते हैं पनीरियों की, ये जो करेले की मेरी रूट्स निकल आई हैं। अब आपने बस हल्का सा, बहुत डीप नहीं जाना है, आपने इतना गहरा करना है गड्ढा के ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। इसको ऐसे रख के, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शिफ्ट करना बड़े गमले में बहुत मुश्किल लग रहा होता है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होती है, आपकी जो ये रूट्स हैं ये टूटे नहीं। अगर ये रूट्स टूट गई तो फिर ये आपका पौधा किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए रूट्स लगा निकालने से लेके बॉक्स से और लगाने तक आपको बहुत ध्यान करना पड़ता है। एक दफ़ा आप मिट्टी को अच्छे से गीला कर लें, उसके बाद अपनी रूट्स पनीरी को निकालें और रूट्स को बहुत आराम से, देखें मैंने यहाँ रखा उंगलियों की मदद से, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, उंगलियों की मदद से आपने इसको खड़ा कर दिया, सही है। अब हो सकता है पनीरी शिफ्ट करने के बाद बड़े गमले में एक दिन या एक घंटा या एक मिनट के लिए आपका प्लांट थोड़ा सा ना स्ट्रेस में चला जाए, पत्ते ढीले हो जाएं, गिरा गिरा सा रहेगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। जब हम एक प्लांट को एक पॉट से लेके दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारा जो है पौधा जो है वो थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको हल्के हल्के पानी देना है, डायरेक्ट पत्तों के ऊपर पानी मत दीजिएगा, साइडों में दीजिएगा। हो सकता है किसी पानी की बोतल से दें या फिर शावर की मदद से दें, किसी यानी कि किसी भारी चीज़ से ना फौरन पानी मत दीजिएगा, वरना इनके रूट्स जो हैं अपनी जगह से हिल जाएंगे और फिर ये ज़्यादा दिन स्ट्रेस में वो नहीं रह पाएंगे, ठीक नहीं रह पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सारी पनीरियाँ शिफ्ट कर दी हैं, मैं इसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। अगर आपको मेरी करेले लगाने से लेके और शिफ्टिंग तक का वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा आप मेरी वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मैं बहुत जल्द इस करेले की अपडेट भी दूंगी आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।